ही पिछड़ा हो, लेकिन यहाँ चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि और यहाँ आने वाले पुलिस अधिकारी यहाँ की प्राकृतिक संपदा का सौदा करके कुछ ही समय में मालामाल हो जाते हैं। मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है, जहाँ आज ये स्पष्ट हो गया कि नेताओं के अलावा पुलिस की मिली भगत से ही अवैध खनन हो रहा है। जी हाँ, एक ऑडियो ने प्रशासनिक अमले में हलचल मचा दी है। एक तरफ जहां यूपी में योगी सरकार के आने के बाद बड़े पैमाने पर यूपी पुलिस में तबादले किए गए थे, जिसमें सरकार की मंशा थी कि यूपी में बढ़ते अपराध व बड़े स्तर पर चल रहे भूमाफियाओं पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ये मंशा नाकारा साबित हुई है। इसका एक ताज़ा मामला झांसी से सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो व वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी अवैध खनन करने वाले ट्रैक्टरों को मैनेज करते हुए सुनाई दे रहे हैं। और कौन सा ट्रैक्टर पकड़ना है या कौन सा ट्रैक्टर थाने से मैनेज है, इसकी पुष्टि गश्त के दौरान एक सिपाही के द्वारा स्पष्ट की जा रही है। ये महेश राजपूत के दो ट्रैक्टर आ रहे हैं, हमने गश्त में थे, दोनों रोक लिए हैं। क्या चलते हैं इनके? नहीं, महेश के तो है नहीं, को चला रहा है? ले बात करो। हाँ सर, हाँ, अरे एसओ साहब से मामला सेट है भदौरिया जी से। अच्छा। हाँ, मैंने एसओ साहब को फोन लगाया, वो फोन नहीं लगा रहे, उठा नहीं रहे साहब। अरे महेश राजपूत को है आप? महेश राजपूत हम खाड़ी वाले हैं, आप पहचान नहीं पा रहे? अच्छा, कहाँ पे हो तुम? हम हैं थाने के बाहर खड़े, पुराने थाने के बाहर। अच्छा अच्छा, चलो तुम यहाँ नए थाने गए थे? हाँ, नए थाने गए थे। झांसी जनपद में भले ही जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष अभियान चला रहे हों, लेकिन उनकी नाक के नीचे उनके थानों की स्थिति झांसी के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ ऑडियो व वीडियो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि अवैध खनन का अब यूपी में तरीका बदल चुका है। थाना स्तर पर खनन का कारोबार कैसे मैनेज हो रहा है, ये इस वीडियो व ऑडियो को देख कर स्पष्ट हो जाता है। हमें नहीं पता था ना विधायक जी की, उसमें जल्दी में विधायक बात हो गई। किससे बात भाई? साहब से गई अपने। साहब से गई, बड़े साहब से। साहब तो फोन नहीं उठा रहे, मैंने सुनील मुंशी को बताया था। नहीं, तो तुमने सीयूजी लगाया होगा? हाँ, सीयूजी लगाए थे सुनील ने। प्राइवेट नंबर से हो गई बात। तो साहब फोन नहीं उठा रहे हैं? हमारा उठा लिया है। अच्छा, तुमसे बात भाई थी? हाँ, हो गई। क्या करे फिर? जाने दो। जाने दे, ठीक है, आपका आदेश सर, राखो फिर। छोड़ दे? हाँ, छोड़ दे। ठीक, छोड़ दिया भैया। इस वीडियो को गौर से देखिए, इसमें वीडियो बनाने वाला शख्स कोई और नहीं, खुद एक सिपाही है जो गश्त के दौरान पकड़े गए ट्रैक्टर की वीडियो बना रहा है। वीडियो शुरू होते समय सिपाही की परछाई बता रही है कि सिपाही अपने कंधे पर राइफल टांगे हुए है, और इसके बाद वीडियो में साफ तौर पर ट्रॉली में बालू भरी हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में जो बोर्ड दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि घटना बबीना की है। जब बात हो जाए तो बता देना मुझे जरा, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब को लगा दूं? तुमने सिलेन का नाम लिया था, सिलेन से बात करो। इस बारे में हमारे पत्रकार ने सीओ सदर से बात की तो उन्होंने इस मामले में जांच की बात कही है। अब देखना यह होगा कि झांसी एसएसपी जेके शुक्ल इस वायरल हो रहे ऑडियो वीडियो को कितनी गंभीरता से लेकर कार्यवाही करते हैं। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए झांसी से अमित सोनी की रिपोर्ट।